सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि एटीएम से एक शुरू में आया क्यों था, ठीक है। इवन बिफोर यू अंडरस्टैंड कि एपीएमसी एक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मॉडल एपीएमसी एक्ट क्या है, उससे पहले ये समझने की कोशिश करो कि एपीएमसी एक्ट आया क्यों था। तो हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर है, बट किसान के साथ मोस्ट वल्नरेबल भी है, क्योंकि उनका जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, सीजनल होता है। कोई आम ही उगाया मान लो तो वो सीजनल है, और सीजन में बहुत सारा आम आएगा, और एक टाइम बाद अगर उसको अच्छे से नहीं बेच पाए, टाइमली नहीं बेच पाए, तो खराब होके सड़ भी जाएगा, और कुछ टाइम बाद कोई भी आम नहीं रहेगा। तो यहां पे दो चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या है कि उनका जो सामान है इस फार्मर्स का, वो सीजनल है। सीजन में ग्लट, ग्लट मतलब होता है बहुत सारा हो जाना। सीजनल में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन जो होता है इतना ज्यादा हो जाता है कि प्राइस जो होता है बहुत कम हो जाता है, तो कई बार किसान जो है अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाता है, और इस डर से क्योंकि उसको बचा के नहीं रख सकता, क्योंकि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा प्रॉब्लम, उसको तुरंत बेचना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या क्या है, सीजनल प्रोडक्ट्स और उसका पेरिशेबल प्रोडक्ट होने के कारण क्या हो जाता है, जिस सीजन में वो उगाता है उस वक्त प्राइस बहुत कम हो जाता है, दैट इज वन थिंग। दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब जल्दबाजी में वो क्या होता है कि सस्ते में बेच के निकल जाता है, जल्दबाजी में क्या करता है, सस्ते में बेच के निकल जाता है। और तीसरा क्या है कि अगर हाई क्वालिटी सामान भी है तो भी उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, लो क्वालिटी सामान है तो भी उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई हमने कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी नहीं दी है जहां कि वो अपने सामान को कुछ दिन होल्ड कर सके, और जब ग्लट खत्म होगा तब धीरे से निकाल के बेच सके ताकि प्राइस हाई मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, समझ में आ रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और खास करके किसान क्या करते थे, मिडिल मैन लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारे गांव में आए, सामान ढेर सारा ले लिया, अरे यही रेट ले लो, प्राइस पता नहीं है, एक्चुअल प्राइस क्या है, तुमको गांव में आके बोल के चले गए, अरे 10 रुपये में बिक रहा है सब जगह, ठीक है, तो प्राइस डिस्कवरी भी नहीं हो रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एपीएमसी एक्ट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुमको समझना होगा, पहला बात जो कुंदन बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो किस चीज का, किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट। तीन लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये स्टेट लिस्ट में है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्ट कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, ये बात क्लियर है। तो फिर एपीएमसी एक्ट सेंटर क्यों बनाए, अब क्या है, गाइडेंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आंसर तो सबको ही तुम लोग लिखोगे, लेकिन एक ब्रॉड किस किस एरिया में सोचना है मैं बता दे रहा हूं, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो एपीएमसी एक्ट सेंटर ने बनाया, बट लागू सेंटर नहीं कर सकता। तो सेंटर ने एक एक्ट बना के छोड़ दिया फॉर स्टेट्स टू कंसीडर एंड फॉर स्टेट्स टू अडॉप्ट। अब तुम्हारे ऊपर है कि मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो, तुम्हारे ऊपर है मैं जो बता रहा हूं नहीं सुनो, इट्स जस्ट लाइक दैट। सेंटर ने एक्ट बना के छोड़ दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, स्टेट्स हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट दिस एक्ट और नॉट। तो एपीएमसी जो फॉर्म होंगे वो किस एक्ट के अंतर्गत होंगे, स्टेट एक्ट ऑफ एपीएमसी के अंतर्गत होंगे, सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत। ये बात क्लियर है कि नहीं है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। सेंट्रल एक्ट तो केवल एक बेसिस देता है, स्टेट हैज टू फॉर्म एंड इम्प्लीमेंट दैट एक्ट, ये बात क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस एक्ट का पर्पस क्या क्या था। पहला पर्पस था कि मिडिल प्राइस डिस्कवरी। पहला पर्पस क्या था, प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा, तो ये एक्ट जो सेंटर ने बनाया था वो प्रोवाइड करता है कि ये जो मंडीज होंगी या जो एपीएमसीज होंगी उसमें ऐसा नहीं है कि
कोई बैठ के एक दूसरे से बात करके हो जाए, क्या होगा हरेक का क्या होगा ऑप्शन होगा। प्राइस कैसे डिस्कवर होगा, प्राइस डिस्कवरी थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होगा, तुम लाओगे तुम दिखाओगे आलू का ये क्वालिटी है, दाम लगाइए 100 रुपया बोरी, 200 रुपया बोरी, 150 रुपया बोरी, जो भी लगाना है। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर प्राइस मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन को तुम फॉस्टर कर रहे हो। तो पहली बात क्या बोलता, प्राइस डिस्कवरी थ्रू ऑप्शन। सेकेंड था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कैसे, गोल ये था कि इन सब जगह पर क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड होगा, पैकिंग की सुविधा होगी, कोल्ड स्टोरेज होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या, मान लो एक अच्छा क्वालिटी काम है और सड़ा क्वालिटी काम है, दोनों मिक्स कर दोगे तो दोनों क्या होगा, सड़े क्वालिटी काम के प्राइस में बिकेगा। बट अगर उसी को तुम छाड़ दोगे तो अच्छे आम का तुम प्रीमियम प्राइस ले सकते हो। तो पहला क्या था कि स्टैंडर्डाइजेशन का व्यवस्था होगा, ग्रेडेशन का होगा, पैकिंग होगा, ताकि तुम्हारा सामान क्या, उसके पैकेजिंग वगैरह अच्छा करोगे तो क्या होगा, सामान ज्यादा दिन लास्ट करेगा। और तीसरा क्या था, कोल्ड स्टोरेज टाइप का चीज होगा। तो क्या होगा कि ये नहीं कि तुमको आज ही बेचना है, तुम डिले कर सकते हो अपना, ठीक है। तो इंफ्रा होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। थर्ड क्या होगा, मिडल मैन, जो गांव घर में लोग आके टहल के ले जाते थे, उनसे बचाने के लिए क्या होगा कि पेमेंट टाइमली होगा। पेमेंट क्या होगा, इसमें ये है कि ऑप्शन हुआ, सामान लो पैसा दो काम खत्म, इससे फार्मर को वेट नहीं का। अब क्या होता है, जैसे गांव घर में क्या होता है, रिलेशनशिप बन जाता है, तुम जिस जजमान से ले, मतलब सॉरी तुम्हारा जिससे कनेक्शन हो गया, इस बार का पेमेंट अब दे रहे हैं धीरे धीरे, वो वाला सब टेंशन आ गया। मार्केट है, तुम सामान लो पैसा दो, पेमेंट टाइमली हो जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टाइमली हो जाएगा, और क्या है कि इससे क्या होगा, अल्टीमेटली फार्मर्स का टोटल वेलफेयर होगा, ठीक है, फार्मर वेलफेयर, मतलब वो तो पहला ही गोल है, बट अगेन मैं आपको लिखा हूं। इतना प्रोविजन था, ठीक है, ओके। बट चैलेंज क्या आया, अब चैलेंजेस नेगेटिव्स पे आते हैं। तो पहला नेगेटिव क्या आया कि एपीएमसी एक्ट ने बोला, रेदर देन गिविंग फार्मर्स ऑप्शन कि तुम इस मंडी जो इतना बढ़िया होगा वहां बेचने के बजाय, इसको कंपलसरी बना दिया। नहीं समझे, अगर कोई चीज इतनी अच्छी है तो देयर शुड बी अ नेचुरल अट्रैक्शन फॉर इट। इसके बदले भारत सरकार ने क्या कहा, नहीं तुमको, तुम बाहर अब बेच ही नहीं सकते हो, तुमको सारा सामान कहां बेचना होगा, इसी मंडी में बेचना होगा। तो वो फ्रीडम लूज कर गया, मतलब नाउ इट हैज बिकम कंपलसरी दैट फार्मर्स का जो फर्स्ट सेल होगा वो कहां पर होगा, इन मंडीज में होगा, एपीएमसी में होगा। दैट इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट कि दे लॉस्ट फ्रीडम टू सेल ऑन देयर ओन, इसी कारण से दे कैन नॉट एंगेज इवन इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर चाहे तो भी एंगेज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड चीज, इंफ्रा पे, किसी एपीएमसी, हार्डली एक दो एपीएमसी ने इंफ्रा पे काम किया, बाकी ने तो इंफ्रा पे काम ही नहीं किया, मतलब हार्ड पार्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, किसी एपीएमसी ने इंफ्रा बनाने पे फोकस नहीं किया, दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्ड प्रॉब्लम, प्राइस डिस्कवरी होना था ऑप्शन के जरिए, बट क्या हुआ कि ऐसा है, तुम डायरेक्ट नहीं बेच सकते हो सेलर को। क्या होता है कि हो सकता है सेलर अवेलेबल नहीं, तो सिस्टम ये बनाया गया कि वहां पर एजेंट्स होंगे, ऑथराइज एजेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज एजेंट, जिनको अढ़तियात भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ये था कि फार्मर जाएंगे, अढ़तियात उनसे ऑप्शन के थ्रू खरीदेंगे, फिर अढ़तियात जो खरीदने आ रहे हैं उनके थ्रू ऑप्शन के बेचेंगे। अढ़तियात वगैरह इतने पावरफुल है, उनका मतलब डेली का प्रॉफिट 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए है, मतलब इस रेंज में जाता है उनका प्रॉफिट एक एक अढ़तिया का। सबका सेटिंग रहता है, सब कुछ होता है। इसकी सोचो, इतना जिसके पास पैसा और पावर आ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वो सब सेटिंग हो जाता है, तुम आगे हम ही को बेचोगे, तो प्राइस डिस्कवरी वाला सिस्टम भी फेल कर गया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड कार्टेलिंग ऑफ अढ़तियाज, ठीक है।
अड़हतियाज ने क्या किया, तुमको प्राइस डिस्कवरी को भी फेल करा दिया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इट जस्ट लाइक सेइंग कि पांच आदमी ने गुट बना लिया और तुम समूचे दुनिया को बोल दिया वही पांच आदमी को तुम बेच सकते हो, तो ऑब्वियसली वो तो जैसे चाहेगा तुमको वैसे ट्रीट करेगा। अब आ जाओ पेमेंट टाइमली, तुमको पता है यही अड़हतियाज है क्योंकि उसी को बेचना है, तो पेमेंट भी वो टाइमली नहीं करते, तो नन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वेयर अचीव। अल्टीमेटली इट बिकेम ए पेन फॉर द फार्मर्स, जिनको क्या था वहां पे लाके ही बेचना पड़ रहा था, कोई इंफ्रा का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनकी प्राइस भी डिस्कवरी नहीं हो रही थी प्रॉपर, और साथ में क्या हो रहा था पेमेंट भी टाइमली नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एपीएमसी फेल। इसके कारण कई स्टेट्स ने तो एपीएमसी एक्ट ही हटा दिया, बोला कि तो सारा पेन ही है फार्मर्स के लिए। तो जैसे बिहार ने एपीएमसी एक्ट हटा रखा है, बिहार में कोई एपीएमसी एक्ट नहीं, कई सारे स्टेट्स ने रिपील कर दिया, लगाने के बाद रिपील कर दिया, बिकॉज दे थॉट कि इट वॉज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम टू द फार्मर्स। समझ में आ गया? और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन ही अड़हतियाज, ठीक है, बिकॉज दे कंट्रोल द होल सिस्टम, उन्हीं के मतलब दे एक्सप्लॉइट द मतलब कंडीशन, बिकॉज दे नो दैट ओनली फार्मर्स कैन सेल देम एंड द बायर्स कैन ओनली बाय फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये सारा ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये बता रहा था बहुत अच्छे से कुंदन की बेसिकली अड़हतियाज क्या हो गया इस स्टेप में, रेदर देन हेल्पिंग इन डिस्कवरिंग प्राइस दे बिकेम वन ऑफ द मिडल मैन विद, तो अपना वो प्रॉफिट इंसेंटिव लगाएगा तो क्या होगा प्राइस तो और बढ़ेगा, समझना ना, तो वो सारा प्रॉब्लम भी आ गया। इंफ्रा नहीं डेवलप हुआ तो सड़ने का पेरिशेबल गुड का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ, ग्लट तुरंत बेचना है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, समझ पा रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर फाइनली क्या हुआ, सेंटर ने एपीएमसी एक्ट के बदले में इस बार मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया, कुछ कुछ चेंज लाके क्या लाया मॉडल, अगेन मॉडल एपीएमसी एक्ट कौन लाया है सेंटर, बट अगेन इट इज अप टू स्टेट्स टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। तो मॉडल एपीएमसी एक्ट में उसने दो तीन चेंजेस किए, तो पहला चेंज उसने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेटेड एपीएमसी इवन प्राइवेट बॉडीज कैन एस्टेब्लिश एपीएमसी मंडी, तो इससे क्या होगा कंपटीशन होगा, अगर सरकारी वाला खराब है तो प्राइवेट वाला खोल सकता है, और अगर प्राइवेट वाला खराब होगा तो उसका कोई कंपटीटर बगल में खोल देगा, तो जस्ट गिविंग मोर ऑप्शन टू द फार्मर्स। तो सबसे पहला चीज इसका पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव क्या था कि इवन प्राइवेट कैन, प्राइवेट मेंबर्स कैन ओपन मंडीज, ठीक है, तो ऑप्शंस आ गया। सेकेंड थिंग क्या किया उसने, एक्ट में बोला कि इट्स इम्पोर्टेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, कोल्ड स्टोरेज डेवलप करो, वैल्यू एडिशन करो, मतलब पॉजिटिव अगर गिना रहे हैं तो गिना रहे हैं, मतलब अगेन वही इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा गॉड नोस, बट इंफ्रा पे फिर से फोकस दिया। तीसरा जो सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट था दैट इट रिकॉग्नाइज कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी डन, तीसरा क्या पॉजिटिव था इट रिकॉग्नाइज कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन हैपन, तो मंडी लाने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया, इट रिकॉग्नाइजेस कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉसिबल है और तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंगेज हो सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज डन, ठीक है। बाकी जो पुराना था टाइमली पेमेंट करो वो सब भी बाद में लिख दो क्योंकि ये सब पे भी बोला है काम करने के लिए, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम है। अगेन प्रॉब्लम परसिस्ट, ठीक है, वो सारी बातें अलग हैं, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब दाल का प्राइस बहुत ज्यादा हिट कर गया था तो उस वक्त अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी का रिपोर्ट भी आया था कि दाल को यानी पल्सेस शुड बी केप्ट आउटसाइड, पल्सेस फ्रूट्स दीज काइंड ऑफ पेरिशेबल गुड्स शुड बी केप्ट आउटसाइड, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी का रिपोर्ट आया था कि इट शुड बी केप्ट आउटसाइड एपीएमसी। महाराष्ट्र ने उस चक्कर में क्या किया था, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स को एबॉलिश भी कर दिया था, महाराष्ट्र ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एबॉलिश कर दिया था अंडर एपीएमसी, ठीक है, कि एपीएमसी के अंदर ये लोग रेगुलेट नहीं होंगे, तो फिर अड़हतियाज लोग विरोध करने लगे, अड़हतियाज लोग नाटक वाटक करने लगे, बट अगेन दे आर इंटरेस्ट ग्रुप, बट इन जनरल अरविंद सुब्रमण्यम का रिपोर्ट लाने का ये भी मतलब था कि इन फूड इन्फ्लेशन का एक कारण अड़हतियाज हुए हैं, बिकॉज दे आर सिंपली अ मिडल मैन, दे आर नॉट अ फैसिलिटेटर, ठीक है, उनका जो रोल इन सोचा गया था, इनविजन किया गया था, दैट वॉज अ फैसिलिटेटर, प्राइस डिस्कवरी में मदद करने वाला,
बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए मिडलमैन कि तुमसे लिया कुछ प्रॉफिट रखा दूसरे को दिया तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो ये एपीएमसी एक्ट समझ में आ गया तुम लोग को, प्रॉब्लम समझ में आ गई ठीक है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि कौन लगाता है कौन बनाता है, स्टैचुटरी है कि नहीं, स्टैचुटरी है कि नहीं, स्टैचुटरी, स्टैचुटरी मतलब होता है जो कि पार्लियामेंट के कानून से बने, विच इज फॉर्म्ड थ्रू द स्टैच्यूट ऑफ द पार्लियामेंट. क्लियर है ये बात, स्टैचुटरी बॉडी है, ये सारा बात क्लियर हो गया. दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब आते हैं, अब इन सब पे कुछ कुछ और करेक्शन हुआ है जो इसने बता ही दिया तुम्हें. ई नाम, ई मतलब इंटरनेट वाला ही है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ही है. नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका क्या गोल है? ई नाम पीएम मोदी के आने के बाद हुआ था. इसका क्या गोल है कि आज के दिन में क्या हो रहा है, सोचा गया कि प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हम जो है अपने मंडी में जा रहे हैं और हमारा रतिया हमको शोषित कर रहा है. What if we create competition at India level? तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे मंडी को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया. तो मान लो गुंटूर में कोई मिर्ची बेचेगा तो यहां का अड़हतिया भी उस पर प्राइस का बिडिंग कर सकता है. इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा इंडिया का मार्केट क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड हो गया, तो प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी होगा. समझ में आ गया? तो इसमें क्या गोल है कि इंटरकनेक्ट करना मार्केट को सो दैट प्राइस डिस्कवरी इज देयर. सो दैट प्राइस डिस्कवरी इज देयर. क्लियर है? इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, कंप्यूटर पे जाके तुम अपना प्रोडक्ट का सैंपल फोटो ये सब कर सकते हो, लोड कर सकते हो, सामने वाला तुम्हारे उस हिसाब से बिडिंग कर सकता है और बिडिंग करके तुम बेच सकते हो. तो ये गोल था ई नाम का. थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर लोगे ठीक है. लेकिन जैसा कि कुंदन ने बताया, ऐसा नहीं कि तुम अगर ई नाम पोर्टल के थ्रू बेच रहे हो, एज ए फार्मर तुम ई नाम पोर्टल के थ्रू बेच रहे हो तो तुमको एपीएमसी का वो नहीं देना पड़ेगा टैक्स, एपीएमसी का टैक्स फिर भी देना पड़ेगा. ये सब नेगेटिव है एक तरह से सोचो तो. ऑब्वियसली मतलब तुम मतलब टैक्स लेना नहीं छोड़ रहे हो, कुल मिला के वो पार्ट है ठीक है. अब देखो इसका नेगेटिव्स क्या क्या है, ऐसे उतना बहुत ज्यादा नहीं, बस सुन लो लिख लो पॉइंट वाइज तो काम चलेगा. तो सिंपल सी बात है, हम लोग अभी उस सिस्टम में नहीं पहुंचे, हमारे स्टैंडर्डाइजेशन वर्सन. मान लो तुम फार्मर हो, क्या तुम अपने सामान का ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. कौन किस क्वालिटी का है, बाहर विदेश जाओगे तो देखोगे तुम आम सर आम भी अगर है तो भी इतना नेचुरल प्रोडक्ट वो भी एक ही शेप का बिक रहा है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ मान लो स्पॉटेड है तो उसको सेकंड कैटेगरी में करके. इतना स्टैंडर्डाइजेशन हमारे यहाँ है, जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो तुम पांच आलू दिखाकर तुम एक बोरा आलू नहीं बेच सकते हो. इट्स जस्ट लाइक दैट, पांच आलू दिखाकर तुम एक बोरा आलू बेचोगे कोई नहीं लेगा. दैट इज वन प्रॉब्लम, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने के कारण ई नाम का यूज कम होता है. दैट इज वन थिंग. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि लोग जब तक देखेंगे नहीं, जब तक उनको मान लो गुंटूर का मिर्ची मैंने खरीद लिया और उसने चार अच्छे मिर्ची का फोटो लगा रखा था, मान के चला बाकी सारी मिर्ची पतली पतली छोटी छोटी थी, मैं तो घाटा खा गया ना. समझ में आ रहा, वो कॉन्फिडेंस ये नहीं है ना कि कोई मुझे उसके पीछे एश्योर कर रहा है कि नहीं ये जो फोटो है दैट इज ए रियल सैंपल ऑफ इट, तो स्टैंडर्डाइजेशन के कमी के कारण हुआ है. दूसरा क्या है, किसान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो फोटो खींच के अपलोड करके कंप्यूटर पे बिडिंग करेगा, ये सोचना तो और भी ज्यादा मतलब हाइपोथेटिकल है गिवन द कंप्यूटर लिटरेसी और ओवरऑल लिटरेसी लेवल. तो इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि सामान वो बेच सकेगा ही नहीं क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है. तीसरी बात, गुंटूर वाला मिर्ची तो फिर भी बेच देगा, फल बेचेगा, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, अपने यहां कनेक्टेड नहीं है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो जो थोड़ा कम पेरिशेबल है उसके लिए फिर भी जाया जाए, बट जो पूरा पेरिशेबल है फ्रूट्स वेजिटेबल वो तो ऐसे मतलब सोचना कि हमारा भिंडी, हमारे यहाँ उगा हुआ भिंडी
कर्नाटका वाला खरीदेगा ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गिवन कि हमारे यहाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्विक नहीं है, समझ रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा भिंडी अगर कोई खरीदेगा अभी तो तुम्हारा ही अड़हतिया खरीदेगा, अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट तुम नहीं हो सकते, ठीक है, वो सारा पार्ट है। तो ये सारी ई नाम में क्या था फायदा कि इंटरकनेक्टेड था, प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर था, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो उसमें ये सिस्टम नहीं चलेगा कि तुम पांच दिन बाद दोगे, उसमें तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, वो सारी चीजें। बट चैलेंजेस भी मैंने ई नाम का बता दिया, एपीएमसी का बता दिया, दिस वॉज द होल थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम एपीएमसी परस्पेक्टिव। क्लियर है? ओके, तो अब क्या बचा हमारा?